गाय का दूध सबको अच्छा लगता है, अमृत है सबके लिए, गाय का गोबर सबकी रक्षा होगी, सबका उनका ये एंटी रेडिएशन है, ये भी हमें समझना है। अच्छा रेडिएशन प्रिवेंट करती है, अपने घर में आएगी तो पूरा घर एक इको फ्रेंडली हो जाएगा, रेडिएशन मुक्त हो जाएगा, ये भी सब साइंस से प्रूव हुआ है। इकोनॉमी के साथ तो है ही बायोफ्यूल, बायोगैस, सीएनजी, वो विषय आज नहीं हम चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में हम आने वाले हैं। लेकिन बहुत से जितने भी, हाँ ये रेडिएशन चिप है, देखिए मोबाइल में आप रख सकते हैं अपने मोबाइल में, और काफ़ी मात्रा में हमने देखा है कि मोबाइल चिप से रेडिएशन मोबाइल में रखते हैं तो काफ़ी मात्रा में मिलीक्यूल में कम हो जाता है। आने वाले दिनों में बीमारी से बचना है तो ये भी उपयोग आने वाला है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि गाय के गोमय का उपयोग, उनके आर्थिक उपार्जन उनके बारे साथ, उनका वैज्ञानिक महत्व साइंटिफिक अप्रोच के साथ, पर्यावरण रक्षा के साथ, कृषि के साथ और अपने आरोग्य के साथ। आपने अभी थोड़े समय पहले सुना होगा वो जो एक्टर ग्रिल्स में गया था उसने, ये अक्षय कुमार, ये जीटन काउ डंग खा सकते हैं, इट्स ए मेडिसिन। लेकिन हमारे साइंस भूल गए हम, नाउ वी वॉन्ट, हमने रिसर्च का भी शुरू किया प्रोजेक्ट, वी वॉन्ट टू हैव रिसर्च ऑन ऑल दीज सब्जेक्ट्स, जो कम से कम हम आज मिथ मानने लगे हैं। इनके पीछे बड़ा साइंस है। इस बात को कहते हुए मैं आप सब मित्रों को विनती करता हूँ कि पूरी इस इकोनॉमी को फिर से कोरोना के पोस्ट कोरोना रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये हमने एक निमित्त बना करके काम शुरू किया है। सभी सरकारें, आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि हम तो हमारे राम भगवान के हमारा निहाल है छत्तीसगढ़, हम 11 करोड़ दिए बनाएंगे। इट मीन्स के मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम सबको, आपसे हमारी विनती है, आप सब मित्रों, मीडिया तो एक आजकल बड़ा माध्यम है प्रचार प्रसार का, सही प्रचार, पॉजिटिव, सही तथ्य के साथ। और मैं जब आप बोलेंगे मेरे पास सब हैं, चर्चा करते रहेंगे आपके माध्यम से गाय की महत्ता को, जो गाय सर्वसुखप्रदा है, कामधेनु, कल्याणकारी है, ये कोई वैसे कोई मिथ एक शब्द नहीं है, संस्कृत शब्द, इसलिए हम उनको एक रिलीजियस या तो कोई रूढ़िगत न माने, उनका क्या मीनिंग है वो समझने का हमने प्रयास किया है कामधेनु आयोग ने, और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आप सबको मेरी अपील है कि इस अभियान को आगे बढ़ाने में, और उनके बाद क्योंकि इसके आधार ही गाय गौ माता घर घर पहुंच जाएगी, चर्चा का विषय होगा, पॉजिटिव बात का विषय होगा, इंतजारी होगी, उत्कंठा होगी, व्हाट इज दिस, और उनके आधार पर बाकी के जितने भी रहस्य हैं साइंस के, ये उजागर होते जाएंगे। और लक्ष्य हमारा ये है, एक भी गाय रास्ते में न रहे। गाय के गोबर और गौमूत्र के कारण भी गाय को रखने लगे लोग, दूध न देती हो तो भी रखने लगे,